सो नाउ लेट्स मूव ऑन द डिस्कशन. अब कुछ बेसिक एंट्रीज की बात करते हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस. अगर रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखें. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, लॉस है एक तरह का. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट. ठीक है जी, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, एसेट कम हो रहा है, और एक तरह से एक्सपेंस है तो हमने इसे डेबिट किया. ठीक है जी. इसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, जितने फिक्टिशियस एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे हैं, कौन कौन से फिक्टिशियस एसेट्स हो सकते हैं सर? लाइक पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, कुछ भी इस तरीके का आपको एसेट साइड दिख रहा है, तो हम इन सब चीजों को राइट ऑफ करेंगे. एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन फिक्टिशियस असेट इज ऑलवेज रिटर्न ऑफ. फिक्टिशियस असेट को हम हमेशा रिटर्न ऑफ करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई है या नहीं है. अब राइट ऑफ कर रहे हो असेट, फिक्टिशियस असेट्स को, लॉसेस है, क्या एंट्री होगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस था पी एंड एल का, खत्म कर दिया आपने. जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे वो भी आपने उड़ा दिए. जो भी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर था, ये एंट्री अगर आपको बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट्स दिख रहे हैं तो ये एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी ही करनी है, चाहे इसके बारे में वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे या ना करे, आपको ये बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री तो आपकी रिकॉर्ड होगी होगी. अब इसमें मैंने जानबूझकर एक स्पेस छोड़ा है, वो किस लिए, ध्यान से देखिए, टू गुडविल. ये क्या है सर? गुडविल तो फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट होती है. जी हां, दो गुडविल बींग एंड इंटेंजिबल एसेट स्टिल इट विल ऑलवेज बी रिटर्न ऑफ ऑन इन रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस. वाई सो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप खुद सोच सकते हो कि जिस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फाइनेंशियली अनसाउंड है, क्या उसकी मार्केट में कोई गुडविल हो सकती है? तो अगर कुछ भी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए. नॉट बिकॉज इट्स अ फिक्टिशियस असेट, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट द कंपनी हु इज अंडर द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन नॉट एंजॉय एनी गुडविल इन द मार्केट, देयरफॉर इट विल ऑल्सो बी रिटर्न ऑफ विद द फिक्टिशियस असेट. बात समझ में? ये एंट्री तो आपको हमेशा क्वेश्चन में करनी है, चाहे कुछ स्पेसिफाई है या नहीं. उसके बाद फॉर बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जो भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपके पास बैलेंस बचेगा. अब जो भी आपके पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस बचेगा, जो भी आपके पास उसमें प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, वो सारे के सारे बेटा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है. क्यों कैपिटल नेचर के? बेटा रिकंस्ट्रक्शन रोज होगा बिजनेस में, आज कल परसों, रिकरिंग नेचर का है, ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग है, वंस इन अ वाइल कभी लाइफ टाइम में हो गया तो हो गया. तो इस वजह से ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और जो भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में प्रॉफिट बचेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. जो भी हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बचेगा वो हम प्रॉफिट्स जो है वो ट्रांसफर कर देंगे. कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा? सर हम उसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट. बात समझ में आ गई?
तो बेसिकली आपने मेरे साथ एंट्रीज देखी रिकंस्ट्रक्शन की, हमें किस किस तरीके से क्या करना है, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब हम अपनी डिस्कशन क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे।